गुरुदेव, ओशो ने जो है जिस तरीके से गांधी जी के पे बोला था, मैंने जो पढ़ा है काफी उनको, शुरुआत मेरी पढ़ने की वहीं से हुई, उन्होंने राम को बहुत ज्यादा, मतलब श्री राम को काफी मतलब निगेटिव तरीके से पेश किया। और ओशो ने राम को जी, मैंने जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम उनको कहा गया तो उन्होंने मतलब काफी, मतलब बहुत जगह वो काफी हार्ड हुए उनको लेके, तो ऐसा उन्होंने कहीं भी सकारात्मक नहीं बोला उनके लिए कभी भी। देखिए, इस पर बस ये आज की आखिरी बात मैं कह रहा हूँ। एक तो ये है कि मैं आज दोनों बातें बोल रहा हूँ, इसलिए उसको बड़े संतुलन से समझें। एक ये कि वो उन्होंने क्यों बोला, उन्होंने एक जो मेन स्ट्रीम में चल रही मानसिकता थी उसको वो हिट करना चाहते थे। राम भारत में चल रही मुख्य धारा की मानसिकता के प्रतिनिधित्व करने वाले एक गॉड हैं, और वो उस मुख्य धारा की मानसिकता से लोगों को हटाना चाह रहे थे, तो इसलिए उन्होंने वो आइकन ही चुनते हैं। जैसे कि हम अभी पुतला ही जलाने जाएं किसी का, तो हम आपका पुतला थोड़े जलाने जाएंगे, हम उस बड़े आइकन का जो उस धारा का प्रतिनिधित्व करता है उसका पुतला जला, नेता का, लीडर का। तो राम को जब उन्होंने हिट किया तो बेसिकली जो हिंदू धर्म में कुरीतियाँ आ गई थीं, जो पाखंड आ गया था, जो सब चीज़ें आ गई थी, उन सबको उनको हिट करने का या उस पर बोलने का उनका इरादा रहा होगा, तो इसलिए उन्होंने लिया होगा। अब उन्होंने कैसे और कितने शब्दों में और कितने ढंग से लिया, ये तो उनका अपना चुनाव है, ये तो वही जान सकते हैं कि उन्होंने वो चुनाव क्यों किया। बाकी एक दूसरी बात भी, जब वो फैक्ट्स की बात बोलते हैं, तथ्यों की बात है, तो वो हमेशा सच नहीं भी होती, क्योंकि मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। बहुत उनकी सैकड़ों किताबें पूरी गहराई से पढ़ने के बाद कि तमाम जगह वो फैक्ट्स सही कोट नहीं करते, वो अपनी चीज को प्रूफ करने के लिए उस फैक्ट का यूज कर लेते हैं जो फैक्ट सही नहीं भी होता है। तो अगर राम के संदर्भ में वो कोई पॉपुलर फैक्ट ले लेंगे, फिर आप शोध करने निकलेंगे तो आपको लगेगा नहीं, ये फैक्ट तो ऐसा नहीं है, बात तो कुछ और है। बुद्ध, इवन बुद्ध के संदर्भ में जिनसे वो बहुत प्यार करते थे और जिनसे वो बहुत प्रभावित भी थे, जब उन्होंने टेक लिया अपने बोलने का तो पूरी तरह से बुद्ध से ही प्रभावित थे, सारी उनकी टीचिंग्स उनकी देशनाओं में ही लिपटी हुई थी। फिर भी वो बुद्ध की जब बात कई जगह पर उठाते हैं तो उसमें वो पॉपुलर फैक्ट्स जो हैं उनको ले लेते हैं, और कभी मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हो सकता कि इतना ज़्यादा पढ़ने वाला वेल रेड पर्सन उसको तथ्यों का ज्ञान नहीं होगा। तथ्यों का ज्ञान होगा, जैसे आजकल हमारे बहुत सारे लीडर्स होते हैं, सब जानते हो, कुछ अलग तथ्य वो ले लेते हैं क्योंकि उनको उसी से अपनी बात कहनी है ना। तो उस समय अब बुद्ध में देखिए, बुद्ध और यशोधरा का जो वर्णन है, कई जगह पर उन्होंने ऐसे कहा है, कई जगह पर अलग तरह से भी कहा होगा। जो पॉपुलर मैथिली शरण गुप्त वाला वर्णन है, जो मैथिली शरण गुप्त ने खंड काव्य लिख डाला यशोधरा के ऊपर, कि वो अंधेरी रात में छोड़ के उनको भाग गए, चले गए अंधेरी रात में छोड़कर, सोई पड़ी थी, तो उन्होंने भी इसी को कोट कर दिया कि अंधेरी रात में अपनी पत्नी को छोड़ के जंगल चले गए। लेकिन जब आप बुद्ध के जीवन साहित्य और उनके लिटरेचर को अध्ययन करेंगे, जो कि आज सब अवेलेबल है, तो आप पाएंगे कि तथ्य है ही नहीं। मैथिली शरण गुप्त ने जो लिखा वो भी उनकी कल्पना थी, और अगर ऐसा कोट कर देगा कोई तो वो भी कल्पना है, क्योंकि तथ्य ये बताते हैं कि वो पूरी उनकी सहमति से, अनुमति से, उनके जानने के साथ वो गए, जानने की उनके जाने की उसने तैयारी भी करी। यशोधरा ने उनके कपड़े निकाले, उनके वस्त्र रखे सब, और उनका जो सारथी था चन्ना, उसको उसने समझाया कि कैसे ले जाना है, क्या करना है। बस उसने ये कहा कि भाई मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तो जाते वक्त मुझसे मत मिलना, जाते वक्त मुझसे मिलोगे तो मुझे दुख होगा,
और उनका प्रेमी स्वरूप भी बुद्ध का देखे कि वो फिर भी जाते समय देखने आते हैं, छोड़ के नहीं भाग रहे हैं, वो देखने आते हैं जाते समय, उनका वो लवर का उस समय वो नेचर है, चले जाते हैं। अब ये लिटरेचर में आया हुआ है, प्रसिद्ध वियतनामी जो बुद्धिस्ट मास्टर हैं तिक न्यात हन, उन्होंने जो अपनी एक उनकी जीवनी लिखी है उसमें इस तथ्य को बड़े विस्तार से रखा, उसको अलग ढंग से कोट कर देंगे। तो जब तथ्यों की बात आए तो ओशो के कोट किए हुए तथ्यों को हम बहुत रिलायबल नहीं मान सकते हैं, ये बात मेरी है। और बाकी जो उनकी टीचिंग से उसका एसेंस हमको लेना है कि वो क्या अच्छा कह रहे थे, उससे क्या हमको अच्छा मिल रहा है, हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हो रहा है, उतना ध्यान रखें। लेकिन फैक्ट्स को कोट करने की बात, उसको कभी फैक्ट्स की तरह से ना कोट करें, तो ये उचित होगा और ये उनका सम्मान भी होगा और ये उनके प्रति हमारा देखा जाए ग्रेटिट्यूड भी होगा कि हम फैक्ट्स में नहीं उलझते, वो आपका अपना काम था, आपने क्यों कहा, किस लिए कहा, कहा होगा उस समय, लेकिन जो उससे एसेंस निकले, सार्थक एसेंस, बस उसको ग्रहण कर लीजिए, बात खत्म हो गई। ठीक है, आज के लिए इतना।